सुपौल लोकसभा से राजद उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल ने गुरुवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। समरहाले के डीएम कार्यालय में डीएम के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि सुपौल की जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन मिलने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता इस इलाके में कोसी जैसी समस्या से लोगों को निजात दिलाना होगा। आपको बता दें कि नामांकन के बाद सुपौल के गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जनसभा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मनोज झा, कारी शोएब, मिन्नत रहमानी, रणविजय साहू, भरत भूषण मंडल, चंद्रशेखर यादव आदि लोग मौजूद रहे। सुपौल से दिलदार खान की रिपोर्ट। 17 महीने में तेजस्वी ने 5,00,000 सरकारी नौकरी जो है कराने का काम किया। चाचा जी पलट गए, हम इतना कहना चाहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए, और आने वाला 15 तारीख को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जितने गरीब परिवार की हमारी बहन है, साल में 1,00,000 रुपया का सहयोग एक बार हम करेंगे। हर साल 1,00,000 रुपया गरीब बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना में केवल 4 साल रहेगा, तो पहले जैसे बहाली होती थी वैसे हम लोग चालू करवाएंगे। हमारा नौजवान भारत माँ की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं है। अग्निवीर योजना में पेंशन भी नहीं है। अग्निवीर योजना में कैंटीन की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस टीएम को खत्म किया जाएगा। सब अर्धसैनिक बल को, CISF, CRPF, ITBP के लोगों को शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आप लोग सब लोग जान रहे हैं इतना महंगा बिजली है, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। देखिए हम लोगों ने 17 महीने में 5,00,000 नौकरी के अलावा जितना तालमी मरकज थे, विकास मित्र थे, टोला सेवक थे, आंगनबाड़ी थे, सबके मानदेय को बढ़ाया, दुगुना किया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को पूरे बिहार में सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन को भी हम लोग लागू करेंगे। तो हम लोगों ने IT पॉलिसी से लेके टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के स्पोर्ट्स पॉलिसी, सारे पॉलिसी को हम लोगों ने बनाया। जो खेलने वाला लड़का है हमारा खिलाड़ी, जो देश के लिए मेडल लाया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया। वैसे 72 खिलाड़ियों को उन 17 महीने में हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। हर लड़का अगर खेल कूद में देश का नाम रोशन करेगा, मेडल लाएगा, तो उसको DSP भी बनाया जाएगा। ये नीति हम लोगों ने लाने का काम किया। खेला कूदा उसको भी नौकरी,